स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ, नरेंद्र की निर्विकल्प समाधि। एक दिन नरेंद्र को पता चला कि उसके गुरुजी को गले का कैंसर हो गया है। उसका उपचार डॉक्टर महेंद्रपाल सरकार से चल रहा था, किंतु श्री रामकृष्ण की बीमारी घटने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही थी। श्री रामकृष्ण जी को पहले कलकत्ता के एक मकान में और फिर काशीपुर के उद्यान भवन में रखा गया। नरेंद्र ने अगस्त माह में शिक्षा देने का कार्य छोड़कर दूसरे शिष्यों के साथ काशीपुर में रहना शुरू कर दिया था। नरेंद्र पूरी श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा करते ही थे, साथ ही वे उपनिषद, अष्टवक्र संहिता, पंचदशी, विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथों का भी अध्ययन कर रहे थे। साधना पथ पर काफ़ी आगे बढ़ जाने के बाद नरेंद्र के मन में निर्विकल्प समाधि की इच्छा जागृत होने लगी। श्री रामकृष्ण ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया था, किंतु फिर भी वह साहस करके एक दिन श्री रामकृष्ण जी के पास चले गए। रामकृष्ण ने स्नेहपूर्वक दृष्टि से अपनी उनकी ओर देखा और पूछा, नरेंद्र क्या चाहते हैं? तो नरेंद्र ने कहा, सुखदेव की भांति में भी निर्विकल्प समाधि के द्वारा सदैव सच्चिदानंद सागर में डूबे रहना चाहता हूँ। रामकृष्ण नरेंद्र को सबसे ज्यादा चाहते थे, लेकिन उनकी बात सुनकर उन्हें क्रोध आ गया। बोले, बार बार एक ही बात को कहते हैं, तुझे लज्जा नहीं आती? समय आने पर तू वटवृक्ष की तरह बढ़कर सैकड़ों लोगों को शांति की छाया देने वाला है, और आज कहाँ अपनी मुक्ति के लिए उतावला हो उठा है? क्या तेरा आदर्श इतना नीच है? अपने गुरु की बात सुनकर नरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आग्रहपूर्वक बोले, ठाकुर, निर्विकल्प समाधि न होने तक मेरा मन किसी भी तरह शांति नहीं पा सकेगा, और यदि शांति न मिली तो मैं कुछ न कर सकूँगा। तो तू क्या अपनी इच्छा से करेगा? जगदम्बा तेरी गर्दन पकड़ कर करा लेगी, तू नहीं करेगा तेरी हड्डियां करेगी। रामकृष्ण नरेंद्र की प्रार्थना को भी नहीं टाल सकते थे, अतः वे बोले, अच्छा जा, निर्विकल्प समाधि होगी। एक शाम ध्यान करते करते नरेंद्र अकस्मात निर्विकल्प समाधि में डूब गए। शिष्यों ने देखा तो समझा नरेंद्र का प्राणांत हो गया है। वे दौड़े दौड़े रामकृष्ण के पास पहुंचे और नरेंद्र की मृत्यु का समाचार सुनाया, किंतु उनकी बात सुनकर श्री रामकृष्ण जी ने तनिक भी विचलित नहीं हुए। कुछ समय पश्चात नरेंद्र की चेतना लौट आई, उनका चेहरा आनंद से दमक रहा था। उन्होंने रामकृष्ण के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, बस ताला बंद, बुद्ध जी माँ के पास रहेगा, काम समाप्त होने पर फिर खोल दिया जाएगा। नरेंद्र रात दिन भजन में लगे रहते थे और श्री रामकृष्ण काली से प्रार्थना करते, माँ काली, आपकी अद्वैत की अनुभूति को तू अपनी माया शक्ति से ढके रख, मुझे तो वो भी उससे अनेक काम कराने। काशीपुर में रह रहे सभी शिष्य रामकृष्ण की बहुत सेवा करते थे। काशीपुर के जिस उद्यान में श्री रामकृष्ण जी रहते थे, उसी भवन में रामकृष्ण संघ की नींव रखी गई। अपने 12 तरुण शिष्यों को गेरुए वस्त्र पहनाकर रामकृष्ण ने उन्हें सन्यासी की दीक्षा दी, और उन शिष्यों से के अगुआ ने उन्हें कहा, क्या तुम लोग पूरी तरह से निर्भिमान बनकर शिक्षा की झोली कंधे पर लटका कर राजपथों पर भिक्षा मांगने लगोगे? अवश्य गुरुदेव, नरेंद्र इतना कहकर अपने गुरु भाइयों के साथ भिक्षा मांगने चल दिए। जिस कलकत्ता में नरेंद्र का जन्म हुआ था, वहां उन्हें शिक्षा पाई थी। उसी शहर की गलियों में उन्होंने शिक्षा मांगी। शिक्षा में मिला अन्न पाकर उन्होंने श्री रामकृष्ण के सम्मुख रख दिया। तत्पश्चात प्रसाद के रूप में खुद भी भोजन ग्रहण किया। यह देखकर रामकृष्ण परमहंस आनंदित हो उठे। रामकृष्ण जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। 15 अगस्त रविवार सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दी और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई।